साल 1992 में आडवाणी की जिस यात्रा ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया था, सोमनाथ से चले जिस रथ ने राजीव गांधी, बीपी सिंह और चंद्रशेखर तीनों के पांव उखाड़ दिए थे, आज वह भारत एक हो गया। आज अयोध्या के फैसले के साथ बहुत कुछ समाप्त हुआ। आज हिंदू मुसलमान के बीच का विवाद समाप्त हुआ, राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा समाप्त हुआ और समाप्त हुआ वर्षों से चला आ रहा विवाद। क्योंकि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया कि अब तंबू में राम नहीं होंगे, अयोध्या में मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, ये देश एक था और एक ही रहेगा। इतिहास बड़ा निर्मोही होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता, न बादशाहों को, न हमलावरों को, न आक्रमणकारियों को। इतिहास में सबको खड़ा होना पड़ता है। इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब इतिहास को अदालत में खड़ा किया जाता है, लेकिन अयोध्या की कथा ने इतिहास का हिसाब अदालत पर छोड़ दिया था, वकीलों और दलीलों पर छोड़ दिया था। लेकिन झगड़ों और झमेलों के बीच फंसी अयोध्या के साथ आज इंसाफ हो गया। आज से अयोध्या में कोई विवाद नहीं होगा, आज से अयोध्या में कोई हंगामा नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सभी खुश हैं। आज से अयोध्या अमन और चैन की जिंदगी जिएगी। अमन सिंह वत्स, आरएम न्यूज़।